हे एवरी वन वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल सो इन द पास्ट टू टू थ्री डेज मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था दैट डू यू वॉन्ट अनाटमी वीडियोज़ फ्रॉम दिस चैनल सो एटी परसेंट दस बच्चों ने आंसर दिया था यस सो फाइनली मैं आप लोगों के लिए अनाटमी अनाटमी वीडियोज़ लेकर आ चुकी हूँ इससे पहले भी मैंने अनाटमी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई हैं तो इससे पहले जो भी अनाटमी से रिलेटेड वीडियो है वो सारी वीडियो के लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो जब भी जरूरत लगे उनको देख लेना आज मैं अभी स्टार्ट करी हूँ क्लिनिकल अनाटमी ऑफ ह्यूमरस से ठीक है थीके? बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर करी हूँ जिसे करके मैं आपको एनाटमी के जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी ठीक है अब मैं आप यहाँ पर आपको अपनी एक मिस्टेक बताती हूँ जब मैंने फर्स्ट ईयर में एनाटमी पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं इस पिंक रीजन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट करती थी ठीक है वैसे तो लड़कियों का फेवरेट होता है पिंक बट मैं इस पोर्शन को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करती थी मुझे लगता है यार अभी नहीं पढ़ना बाद में पढ़ लेंगे ठीक है बट इसका नुकसान होता है आपके वाइवा में इससे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं एंड आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं इससे ठीक है तो आज मैं आपको ह्यूमर से क्लिनिकल कवर करवाने वाली हूं तो ये टोटल पांच पॉइंट्स हैं ठीक है आराम से सुनोगे पांच मिनट के अंदर तुम्हें तो याद हो जाएंगे ठीक है तो मेरा मेन फोकस जो है इस वीडियो में वो ये है कि मैं तुम्हें इन चीजों को याद करवा पाऊं ठीक है और इससे पहले तुम्हारी ह्यूमरस की अनाटमी तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए तभी तुम इनको समझ पाओगे सो लेट गेट स्टार्ट सबसे पहले दिया कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आर द सर्जिकल नेक द शाफ्ट एंड द सुप्रा कॉन्डाइलर रीजन तो इन तीन को आप याद करो कॉमन साइट कौन सी है सबसे पहले ट्रिक क्या होगी तुम्हारी यहां पर एस 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 सर्जिकल नेक शाफ्ट एंड सुपरा कॉन्ड्राइवर रीजन अब तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज सर्जिकल नेक ठीक है चलो एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्जिकल नेक एंड अनाटमिकल नेक ठीक है चलो नहीं बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी ठीक है शाफ्ट सबको पता है जो बोन होती है उसका जो एक बीच का पार्ट है डंडा है दैट्स अ शाफ्ट एंड सुप्रा कॉन्ड्राइल मतलब कि कॉन्डाइल्स के ऊपर वाली जो जगह है उसे बोलेंगे सुप्रा कॉन्डाइलर रीजन चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है क्लिनिकल में सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर नाउ अगर कॉन्डाइल्स के ऊपर कॉन्डाइल्स सबको पता है नहीं पता है तो एक बार देख लो अपनी बुक में सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर क्या है इज अ कॉमन इन यंग एज ये बहुत कॉमन होता है इन यंग एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फॉल ऑन द आउट स्ट्रेचेज हैंड अगर हाथ आउट स्ट्रेचिज है मतलब किस तरीके से मतलब मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ पर हाँ इस तरीके से हाथ बाहर निकला हुआ आउट स्ट्रेचेज तरीके से कोई गिरा है फॉल हुआ है

हमें दिखेगी एंड दिस फ्रैक्चर में कॉज इंजरी टू द मीडियम नर्व तो ये इंपॉर्टेंट है अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि सुप्रा कॉन्ड्राइलर फ्रैक्चर में कौन सी नर्व पे अफेक्शन हो सकता है तो तुम क्या आंसर करोगे मीडियम नर्व पे इट मे ऑल्सो लीड टू वॉकमेंट इसमे कॉन्ट्रैक्चर कॉज बाय ऑक्यूल ऑफ द्रेकियल आर्ट्री अब यहां पर देखो एक आर्ट्री इन्वॉल्व हुई है एक नर्व इन्वॉल्व हुई है कौन से फ्रैक्चर में सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर में तो सुप्रा कॉन्ड्रायलर फ्रैक्चर होगा तो क्या क्या होगा चलो मेरी बात आराम से सुनो सुप्रा कॉन्ड्राइलर फ्रैक्चर होगा तो पहली बात तो होगा आउट स्ट्रेचे हैंड की पोजिशन में अगर कोई गिरेगा तो पहली चीज दूसरा लोअर फ्रेगमेंट पीछे की तरफ हो जाएगा जिसकी वजह से एल्बो प्रोमिनेंट दिखेगा इस फ्रैक्चर की वजह से मीडियम नफ में इंजरी हो सकती है इसकी वजह से वॉकमें कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा मतलब कि जो हमारी ब्रेकियल उसमें हमारीटरल ट्राइंगल इन फिक्स्ड फ्लैक्स एल्बो एंड आर इन वन लाइन इन अ एक्सटेंटेड एल्वो तो यहां पर इन्होंने ये चीज बताई है कि जब हमारी एल्बो फ्लैक्सड होती है ठीक है तो एक्यूलेटर ट्राइंगल बनता है ध्यान रखना एक्यूलेटर ट्राइंगल कब बनेगा जब फ्लेक्स्ड होगी और जब एक्सटेंडेड होगी तो वन लाइन बनेगा आप इसको याद कैसे रखोगे देखो अगर यहां पर ये दोनों होते ई e -E से तो आप यहां पर मैच कर देते पर सोचो कि अपोजिट है एक्यूलेटर ट्राइंगल तब बनेगा जब फ्लेक्स्ड एल्बो है ए बी सी डी याद करो ए बी सी डी ई के बाद क्या आता है ई e के बाद एफ ठीक है टरल ट्राइंगल इन अ फ्लेक्स एल्बो एंड वन लाइन इन एक्सटेंडेड एल्बो ठीक सो यहां पर यह दिखाया हुआ भी है बट uh, अपनी बुक में तुम लोग देखना फिच इज मोर किलर टू चलो मैं यहां पर दिखा देती हूँ ठीक है ये यह देखो यहां पर तुम्हें यह ट्राइंगल दिख रहा है विच इन अ वन लाइन ठीक है यहाँ पर ये एक लाइन में है और यहाँ पर इसका एक ट्राइंगल बना हुआ है चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट द ह्यूमरस हैज अ अर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन ऑफ इट्स अपर एंड मिडल थर्ड्स फ्रैक्चर एट साइट शोज डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन आपको यहां पर यह समझना है कि ह्यूमरस में सबसे ज्यादा पुअर ब्लड सप्लाई कहां पर होती है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वाइवा में तो क्या आंसर दोगे कि सबसे पुअर ब्लड सप्लाई होती है अपर एंड मिडिल थर्ड में ठीक है एंड इस जगह पर अगर फ्रैक्चर होगा तो उसका जुड़ना मुश्किल या हो सकता है नामुमकिन हो ठीक है चलो द हेड ऑफ द ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट्स इनफीरियरली जो ह्यूमरस का हेड होता है वो इनफीरियरली डिसलोकेट हो जाता है तो यहां पर देखो फोटो में भी दिखाया हुआ है कि ये नॉर्मल पोजीशन है ह्यूमरस के हेड की ये नॉर्मल पोजीशन है बट यहां पर देखो ये इसके नीचे आ गया ठीक है ह्यूमरस डिसलोकेटेड इनफीरियरली प्रॉपर क्लियर है तो आपके डायग्राम जो आपके एनेटमी में दिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ो बहुत बढ़िया से अच्छे से क्लियर होंगी अगर तुम्हें क्लीन करटमी वाला वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक और तुम लोग के जो कॉमेंट्स और लाइक्स होंगे ना उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का तो चाहते हो तो लाइक किए बिना जाना मत यहाँ से चलो बाय बाय एंड टेक केयर डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो